ऊंट संरक्षण के क्षेत्र में मॉडल स्टेट राजस्थान। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु होने के साथ राजस्थान की शान भी है। ऊंट राजस्थान के रेतीलो भूभाग पर आसानी से लंबी दूरी तय करता है। यही वजह है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ऊंटों का है विशेष महत्व। साथ ही ऊंटनी का दूध डायबिटीज ऑटिज्म जैसे रोगों में लाभदायक होता है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ऊंटों की संख्या पूरे देश में ही तेजी से घट रही है। राजस्थान में ऊंटों की संख्या में 2012 से 2019 की तुलना में एक तिहाई की कमी पाई गई है। ऊंटों के वंश संरक्षण के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पशुपालन विभाग ने ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की ऊंट संरक्षण योजना। यह योजना न केवल ऊंटों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बल्कि ऊंट पालकों को प्रोत्साहित करने में काफी उपयोगी साबित हो रही है। राजस्थान में ऊंटों में प्रजनन को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना में ऊंट पालकों को टोडियों के जन्म पर 2 किश्तों में कुल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पहले हमारे ऊँटों की देखभाल नहीं कर पा रहे थे, अब 5,000 रुपये खाते में आने से हमारे ऊँटों की देखभाल अच्छी तरह से करेंगे और भरण पोषण अच्छी तरह कर पा रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। योग्य आवेदकों को प्रोत्साहन राशि की प्रथम किश्त के रूप में 5,000 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है। शेष 5,000 रुपए की दूसरी किश्त टोडियों के 1 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर देय है, जिसके लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है। योजना का लाभ लेने के लिए ऊंटनी एवं टोडियों में टैगिंग करवाया जाना अनिवार्य है। टोडियों के 0 से 2 माह की आयु पूर्ण होने तक ऑनलाइन आवेदन किया जाना अनिवार्य है। ऊंट पालक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन मेडिसिन मैनेजमेंट सिस्टम पशु औषध www.pashuaushadh.com/IOMMS पर निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। ऊंटों का संरक्षण है जरूरी, ये है राजस्थान के विकास की धुरी। पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।